नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं खबरदार। चिराग पासवान की जरूरत वाकई बीजेपी या आरजेडी को बिहार में है। रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव मौसम विज्ञानी कहते हैं। पासवान इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि सत्ता किस पार्टी के पास आने वाली है और वह उसी गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। रामविलास पासवान जब तक जिंदा रहे सत्ता के करीब रहे, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान एक सांसद से ज्यादा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाए हैं। वे बीजेपी के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को अपने पिता की तरह साधने में अब तक सफल नहीं रहे हैं। 2024 का आम चुनाव कुछ ही हफ्ते में होने वाला है और चिराग का ठिकाना कहाँ होगा? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की तरह बिहार में प्रासंगिक हैं? चिराग नहीं चाहते थे कि एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो, लेकिन उनकी वापसी से समीकरण जटिल हो गया है। नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग की पार्टी को 6 सीटें मिलना बहुत कठिन हो गया है। जिस दलित वोट पर चिराग पासवान दावा करते हैं, नीतीश कुमार ने उसी दलित समुदाय में महादलित की श्रेणी बनाई थी, जो कि रामविलास पासवान को कभी पसंद नहीं आई थी। नीतीश कुमार ने पहले पासवान जाति को महादलित से बाहर रखा था। रामविलास पासवान को लगता था कि महादलित की श्रेणी दलितों को बांटने की नीति है। चिराग पासवान ने रविवार को अपनी जनसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। गठबंधन के तौर पर एनडीए का नाम नहीं लेना क्या एनडीए और बीजेपी के लिए चिराग पासवान की तरफ से कोई इशारा है? फिलहाल बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट आ गए हैं। नीतीश कुमार यूरोप के दौरे पर हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार को 13 मार्च को भारत लौटना था। माना जाता है कि बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं होने से छोटे दलों में असमंजस की स्थिति है। ऐसी अटकलें भी हैं कि बिहार के छोटे क्षेत्रीय दल अंतिम समय में कोई भी चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु के मुताबिक 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली के बाद बिहार में जमीनी हालात बदल गए हैं। उनका कहना है कि जहां तक छोटे दलों की बात है, तो उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है। उन्हें जिस गठबंधन में फायदा दिखता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। रामविलास की विरासत किसके पास? रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में साझेदारी के तहत 6 सीटें मिली थी। इन सभी 6 सीटों पर एलजेपी की जीत हुई थी। पार्टी में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद हैं। वहीं जमुई सीट से सांसद चिराग पासवान हैं। हालांकि चिराग पासवान इसके बाद भी अपने धड़े एलजेपी आर को रामविलास पासवान की मूल पार्टी बताते हैं। उनके पास इसके लिए कई तर्क हैं। पिछले साल हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार एलजेपी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिली थी और वो 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल 1 जीत मिली थी, लेकिन करीब 7% वोट मिले थे। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ा था। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 6% वोट मिले थे। रामविलास पासवान को बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। एलजेपी में टूट के बाद से पशुपति पारस का गुट बिहार में बीजेपी की साझेदारी है, इसलिए उसे कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में उनके धड़े के पास कितनी ताकत है, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।